नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। इस वक्त हमारे साथ ऑल ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट चाकंग यांगदा जी हैं। कल के दिन इनके यूनियन के द्वारा एक मास पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज किया गया था ईटानगर में, आकाशदीप से लेकर टेनिस कोर्ट तक, जहाँ पे उनका मुद्दा था मिस अप्रोप्रिएशन फंड यूज को लेकर, सेपा तू चांगजादो रोड को लेकर। और मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को, ये जो वर्क ऑर्डर रिलीज हुआ था 2008 को, तब से लेकर अभी तक की बात करें तो 14 साल हो चुका है और 15 साल शुरू होने वाला ही जल्दी। और अगर बात करें रोड की, तो ये कोई 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की बात नहीं है, ये बस 81 किलोमीटर मीटर्स की बात है। इसको लेकर इनके यूनियन लगातार फॉलोअप कर रहे थे, इनकी तरफ से मुद्दा रिप्रेजेंटेशन रखा जा रहा था, रैली पे रैलियाँ उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया और कल के दिन उन्होंने किया था। उसके बाद में उनकी तरफ से जो एलिगेशंस SIC को भी लगा था, कुछ भी जो इश्यूज उन्होंने रखा था, हमने जाकर SIC के SP से मिले और उनसे हमने बातें रखी, तो उनकी तरफ से और कुछ और ही कहा गया था। तो उसी सिलसिले में आज हम उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे डिटेल और उन्हें क्या कहना है SP SIC की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल के स्टूडियो पे। चाकंग जी, सबसे पहले तो मेरा ये कहना होगा कि क्योंकि कल आप रैली के दौरान, इवन लाइक आपका जो PC आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, उसमें भी आपके तरफ से कहा गया था कि SIC के तरफ से जो 172 करोड़ का जो आप लोग ने जो FIR लॉन्च किया था, उसका अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, इस तरह के फर्स्ट आप लोग का मुद्दा तो वो कहना था। तो जब हमने कल आप रैली ख़त्म होने के बाद में हम उनके ऑफिस गए, तो उनको हमने सवाल रखा था चार्जशीट को लेकर, तो SP SIC की तरफ से तो क्लियर उनके तरफ से कहा गया था कि नहीं, 1st December 2022 को ही जो चार्जशीट है वो फाइल हो चुका है और ऑलरेडी आप लोग को इन्फॉर्म भी किया गया था बुला के। तो कहाँ पे ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन हुआ या फिर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया कि आप लोग कह रहे हैं कि चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुका है? देखिए, ये सिलसिले में तो एक्सु का हमेशा जो मुद्दा ये था कि अगर एरएस जो भी 172 करोड़ में जो भी मिस अप्रोप्रिएशन किया है, जो मिस यूज़ किया है फंड, तो उसको हम लोग जो है वन गो में इरेज करना है बोल के। तो FIR देने के बाद रजिस्टर भी हुआ रेगुलर केस, तो इनफैक्ट SIC जो है आपका कुछ ऑफिसर को भी अरेस्ट किया। तो एक्सु का कहना है और हम लोग का कहना है ये कि हम लोग सुनने में सिर्फ 3-4 सिर्फ आप भी देखा होगा अरेस्ट और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया, तो हम लोग SIC से ये पूछना है कि सिर्फ जो 172 करोड़ में सिर्फ 3-4-5 से आदमी सिर्फ इन्वॉल्व है क्या, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अगर इतना इन्वॉल्व है तो कब चार्जशीट फाइल किया है, चार्जशीट भी फाइल किया नहीं, क्योंकि हम लोग कंप्लेनर है और हम लोग पूछने का भी राइट है। अगर पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जब कंप्लेनर आता है तो बताना चाहिए, क्योंकि सारा समाज जो सारा डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग को विश्वास करता है और हम लोग कंप्लेनर है। इनफैक्ट हम SP से तो नहीं मिला, जो IO इंचार्ज है, जो पर्टिकुलरली ये सिपात हुसैन का जो रोड के लिए है, मोर देन इसका बॉडी भी कंस्टिट्यूट किया पर्टिकुलर, उसे हम क्वेश्चन किया कि इनफ समय है, आप जो मोर देन 1 ईयर्स ज़्यादा है, 1 ईयर्स ज़्यादा, 1 ईयर 16 मंथ्स है, तो उसमें सिर्फ आप 3-4 आदमी को सिर्फ अरेस्ट किया गया और रेस को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया। और मैं ये इसलिए बोल रहा है कि ये सिर्फ जितना भी मिलते जा रहे हैं उसको चार्जशीट लगाते जाना चाहिए, तो उसका पास में कुछ जवाब नहीं था। तो इसलिए हम लोग आज भी प्रोटेस्ट किया, तो हम लोग हमेशा एलिगेशन दे रहे हैं कि SIC को उसका वर्किंग प्रोसेस से डिले है, क्योंकि उसका जितना भी डिले हो रहा है, तो मेरा जो 7 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, अभी जो ये वर्किंग सीजन जा रहा है, नेक्स्ट अनदर ये जो रेनी सीजन आएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा। अगर ये जो मेथड जो कोर्ट में जाने के बाद, तब जाके जो भी काम है वो आराम से काम कर सकता था। नहीं, अभी मेरा कहना था, जैसे आपने तो बताया कि अभी तक नहीं हुआ इस तरह कहेंगे अभी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि SP SIC उनके स्टेटमेंट में कहते हैं कि नहीं, यूनियन को बताया, बुला के उन्होंने बताया, इस तरह के कहना था, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग की तरफ उन्होंने बुला के आपको बताया और आप पब्लिकली आप बोल रहे हैं कि SP SIC की तरफ से या फिर SIC टीम की तरफ से आप लोग को कोई खबर नहीं दिया गया चार्जशीट को लेकर, वो तो हम लोग को तो बिल्कुल, जिसे अभी हमको तो बिल्कुल खबर नहीं दिया है और कोई रिकॉर्ड इसे भी नहीं, हमको बताया भी नहीं। इवन हम जाके जो इंचार्ज है, जो आपका SIC इंचार्ज, जो OC इंचार्ज है, इसको हम पर्टिकुलर बात किया, हम उसको 3-4 सवाल किया, सर हम जानना चाहेगा कि पब्लिक भी हमको प्रेशर कर रहा है, इनफैक्ट एक्सु कैसे चुप हो गया। तो हम लोग जो SIC का ऊपर में आपको विश्वास करते हैं, आप कितना एरेस हुआ और चार्जशीट कितना, वो जो उन्होंने ऑथेंटिक हम लोग को सबूत नहीं दे पाए, हम रीजन ऑफ डिले इसको भी पूछा तभी भी नहीं बताया। वो अच्छा हुआ कि आप जो जाके इसका पूछताछ किया, तो अगर वो कितना लोग को अभी
चार्जशीट किया ये और हम लोग पूछना चाहेगा, और अगर वो सिर्फ स्टेटमेंट देना चाहिए और भी इन्वॉल्व है तो इसको भी अरेस्ट करना, चार्जशीट फाइल करना चाहिए। एक दो को पकड़ेगा और अरेस्ट को नहीं पकड़ेगा, ये सब नहीं होना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। इसलिए सबको चार्जशीट देना चाहिए ताकि केस जो चैप्टर क्लोज हो जाए। और आज के दिन में जब हमने सवाल रखा था चार्जशीट को लेकर भी और रेस्ट ऑफ दी अपडेट्स जो अभी तक जो फाइल एफ आई आर को लेकर, तो उनका कहना था कि चार्जशीट फाइल हो चुका है और जैसे आप लोग का कहना था कि कई लोग इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उसको भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होना है, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि सब और सप्लीमेंट्स अभी चार्जशीट भी और फाइल होगा, लेकिन अभी के समय में जो फर्स्ट चार्जशीट है 1 दिसंबर में हो चुका है। तो ये जो स्टेटमेंट एस पी एस आई सी की तरफ से जो दिया गया है स्पेशली जो सेपा चांदा रोड को लेकर, आप इसमें सहमत रखेंगे, आप सेटिस्फाई है उनके स्टेटमेंट को लेकर? नहीं, ये जो वही तो बोला है, वो लोग जानबूझ के ये प्रोसेस, जैसे आपको वेस्टर्न जोन जो पीडब्ल्यूडी जो जो न्यू स्कीम को हम लोग जब जो अभी देखा होगा एफ आई आर जो वो लोग का ऊपर भी किया गया है, हम लोग नवंबर से वो चीज़ स्टार्ट हुआ है, तो ये सब मूव को देखे शायद वो लोग चार्जशीट जो ये दिसंबर को ही किया होगा, तो ऐसे करने से भी अच्छा, लेकिन बताया नहीं है। तो इनफैक्ट हम लोग को कितना लोग को किया है और कितना लोग इन्वॉल्व है, इवन हम लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि कितना वो लोग मिस यूज़ किया गया, कितना यूज़ किया गया है। तो वो लोग चार्जशीट लगने से तो अभी भी बोलते हैं सबको चार्जशीट लगाइए, तो हम अभी भी एलिगेशन दे रहे हैं कि एसआईसी को आप लोग जो है जो पॉलिटिकल विल जिसका पास में, ऐसे लग रहा है कि हम लोग को पॉलिटिकल विल जिसका पास में है इसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, और जिसका पास में नहीं है इसको आप लोग अरेस्ट किया जाए, ऐसे लग रहा है मैक्सिमम का। तो सबको इमीडिएट करना चाहिए, वहाँ में तो ऑलरेडी 2020 से आप सोच के देखिए तो एक ही स्कीम है और 3-4 बार स्कीम सर्व है, इससे भी बड़ा स्कीम को आराम से कर सकते हैं, तो इसको इतना डिले क्यों कर। तो वो तो अभी जो आप बोले कि आपका जो भी एडिशनल चार्जशीट डालेंगे ये सब उम्मीद का वजह से तो ये सब डिले हो रहा है। तो आप लोगों का ये डिमांड है या फिर आपका ये कहना है कि जो भी है आप लोगों की तरफ से कंप्लेंट फाइल किया गया था वन गो में पूरी तरह सबको मतलब चार्जशीट फाइल करना है? नहीं, कंटिन्यूसली इसको फर्स्ट ट्रैक, आपको कल का जो प्रोटेस्ट रैली में भी दिखा होगा उसमें हम लोग का जो जितना भी कंसर्न है जो आपका है, ये आपका इस्कामिंग में जो तीन इस्कामिंग होता है जिसे एमएलए से आपका 9 सेंग था जो 8 बामिंग 10 सिप्पा 11 वेस्ट सिप्पा जो उसमें टीम एक तो होता है जो हम लोग का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए से, उन्होंने भी वन गो में जो आसको हम लोग बैठ के वन गो में इसमें रेजुलेशन 2 बार लिया गया कि एसआईसी जो एक्सपेंडेड करना है कि फास्ट ट्रैक में, तो उसका हिसाब से मोर देन 3 ईयर्स जा रहा है। तो स्टार्टिंग अरेस्ट स्टार्टिंग बंद होने के बाद कुछ गायब ही हो गया, तो ये हम लोग का डाउट वाला बात है। तो ऑलरेडी वहाँ से कंसर्न दे दिया, डीसी का वहाँ से लिख लिया, वहाँ में टेक्निकल जो डीसी का बोर्ड में लेके क्लियर कट वहाँ में मिस अप्रोप्रिएशन है बोल के भेज दिया और ऑनरेबल लोग दे दिया, तो ऐसे ऐसे लोग उसमें डिले क्यों कर रहा है? तो ऑलरेडी पब्लिक देख रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ इसकामिंग जो अपर बेल्ट का जो अफेक्टेड और 7 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ज़्यादा ब्लॉक तो वहाँ में 2 ब्लॉक जो इस नीचे में है, तो ज़्यादातर इस कामिंग को ये रोज जो डिस्टर्बेंस का जी। ये तो था जो 172 करोड़ को लेकर और नया जो आप लोग की तरफ से एफ आई आर जो लॉन्च किया गया है एसआईसी में लास्ट मंथ को, आई गेस नवंबर के महीने में जो दिया गया है, जहाँ पे आपने लोकल एमएलए के अगेंस्ट में एफ आई आर दिया है, चीफ इंजीनियर कंसर्न डिपार्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसको लेकर भी हम लोग ने सवाल रखा था क्योंकि आपका कहना था कि एफ आई आर दे चुका है लेकिन अभी तक क्यों केस रजिस्टर नहीं किया गया है, तो सर की तरफ से कहा गया है कि वो प्रोसेस में है और जल्द ही वो केस रजिस्टर करेंगे, तो इसके ऊपर में आपका क्या स्टेटमेंट होगा? तो देखिए ये जो बात जो आपका जो अभी न्यू वाला जो आप फंड वाला जो सीएम ने कमिटमेंट दिया था कि जो सीएम ने एक्चुअली ये फंड जो है तो 20 करोड़ जो अनाउंसमेंट जो प्रोजेक्ट था जो रोड में प्रीवियस जो ये आपका 2020-21 को तो अनाउंसमेंट दिया कि पैकेज 20 करोड़ का जो वो है आपका जो रेमेनिंग पोर्शन है जो 172 करोड़ रुपीज़ जो है, तो जितने भी वहाँ में यूज़ किया गया है उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन में रेगुलर केस हो गया, लेकिन जहाँ में जिस पर्सन में अभी तक जो वो पैसा से टच नहीं किया है वो पर्सन को कंप्लीट करने के लिए सीएम ने अनाउंसमेंट दिया था, पर उसमें अनफॉर्चुनेट हम लोग को ये देखने मिला है कि जो फंड को नॉमिन क्लेचर को चेंज करके फंड को डाइवर्ट करके तो मिसयूज़ किया जा रहा था, तो हम लोग का हिसाब से इसलिए हम लोग एफआईआर दिया। तो मैं पब्लिक को मैं ये बता दूँ सिपा तो सैंग था जो रोड में हमको ऐसे लगता है ये एक ही ऐसे रोड है जो कॉन्ट्रैक्टर का कभी पे नहीं करता है और जो एजुकेटिंग डिपार्टमेंट जो किसी फार्म को भी देता है मोर देन 70+ फार्म यूज़ किया गया है। तो ये रोड को 2008 में बीडिंग किया कि जो जीता है कि फार्म जो कॉन्ट्रैक्टर ओनर था कि आपका गेमन इंडिया लिमिटेड जो, तो
तो उसमें पता नहीं वेस्टर्न जोन से जो ये जो मैकेनिज्म है यहाँ से रूल ही अलग ही बनाया गया। जैसे अभी हम लोग जहाँ तक अभी जो 20 करोड़ का यूज़ करने वाला को देख के तो हम लोग को अभी मालूम हुआ है कि ये जो पैसा को मिस यूज़ करने के लिए ये रोड में पैसा डाला जा रहा है। तो क्यों बोलने से आपको देखिए यहाँ में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर गेम इन इंडिया है, उसमें भी 3-4 जो आप जब अच्छा से दीप से जाएगा तो उसमें देख सकते हैं कि स्कीम बार बार डाला गया। एक स्कीम में जो टारगेटेड स्कीम में उसमें पैसा खत्म हो जाता है लेकिन उसको देख के फिर एक स्कीम डाला जाता है, ऐसे करके 172 आया है। तो हमेशा टारगेट ये भी तो अभी टारगेट था जो 20 करोड़ भी तो टारगेट है खत्म कर दे, इसको भी तो इसे गायब करा देगा। तो उसमें लॉजिक बात ये है कि आपका प्लानिंग से जो टेंडर को सबसे फर्स्ट जो जब फंड एडिशनल डालेगा सबसे फर्स्ट तो वेविंग ऑफ करा देता है, उसके बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट पे नहीं किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट जो उसको क्या होता है कि अपना इंडिपेंडेंटली यहाँ से वेस्टर्न जोन से पता नहीं रूल ऐसे होता है कि नहीं होता है, जाते हम लोग जानते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट काम करता है इसको ही देता है। तो यहाँ में हटके से काम कर रहे हैं, जैसे आपको मान लो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो आप नियर्स एंड डियर्स जो भी अभी वहाँ में ऑफिसर इंचार्ज होगा ऐसे देगा काम जंगल क्लियरेंस का नाम से कभी सिलेक्ट क्लियरेंस का नाम से ये सब करके हमेशा पैसा लिया जाता है। तो उसको प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जानता ही नहीं, वो सब अंदर में पैसा गायब हो जा रहा है। तो अभी एग्जैक्टली वो टैक्टिस ही पुराना टैक्टिस ऐसे करके खत्म हो गया, जबकि जंगल क्लियरेंस वो तो शुरुआत में वन गो में जाता है आपका या में स्लिप क्लियरेंस होता है कि जब ऑनगोइंग वर्क में वो जो है उसका लाइबिलिटीज जो है वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर का लाइबिलिटी हो उसमें पैसा नहीं लगता है। तो अगर जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में अगर जो भी मैंने लैंड स्लाइड हो गया उसको सफा करना प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन यहाँ में क्या होता है कि उसको वो लोग स्लिप क्लियरेंस दे के पैसा को मिस यूज किया जाता है और किसी फॉर्म में देते हैं, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं देते। तो इसी हिसाब से इतना चला गया। तो एग्जैक्टली ये बार भी ऐसे हो गया जिसे कि आपको सेम 2021 को सेम अनाउंस करके आया था दिसंबर को एग्जैक्टली प्लानिंग से 19.92 करोड़ का सेंशन दिया गया कि उसमें क्लियर कर लिखा गया था कि आपका कंस्ट्रक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ सिपात संघ जो रोड ऐसे करके तो उसको ख़त्म करना था। तो दिसंबर को आया है, इसके बाद वो लोग क्या होता है कि 7 मार्च 2022 उसमें जो आपका प्लानिंग से अंडर सेक्रेटरी एक PWD का वहाँ से आता है कि इसको वेविंग ऑफ करना है, नीचे में रीस्टोरेशन एंड फ्लड डैमेज ड्यूरिंग दी 2017-21 देर इसको सब है चेंज कर दिया। तो चेंज करने के बाद वो लोग आइडियाज क्या फिर निकला है जाके आपका फिर मार्च 19 को वो लोग ऐसे करते हैं वेविंग ऑफ करना है कि दिस फंड इज मीन फॉर क्लियरेंस द कमिटेड लाइबिलिटीज ड्यूरिंग 2017-21। तो उसमें क्लियर कट लाइबिलिटीज जो किसको पे करना है वो हम लोग पूछ रहे हैं। ऑलरेडी 172 करोड़ मिस यूज होके प्रीवियस वाला का हम लोग जो अभी कंप्लेन करके SIC जो उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग क्या सोच का हिसाब से वो जो कमिटेड लाइबिलिटीज यहाँ में कॉन्ट्रैक्टर कौन है गेम इन इंडिया क्लेम कर रहा है क्या वो लोग काम कर रहा है अभी मेंशन ही नहीं किया। यस वो तो हम बोला अभी कौन क्लेम कर रहा है कमिटेड लाइबिलिटीज किसको पे करना है ये हम लोग का क्वेश्चन है अभी भी। तो उसको FIR दिया ये इतना यहाँ से इसलिए बोल रहा है काम का हम लोग जो एजुकेटिंग डिपार्टमेंट जो अब सब डिवीजन होते हैं तो जिसको मॉनिटरिंग कर रही संयुक्त जो डिवीजन है तो ये जो रूल जो यहाँ से फ्रेम करके आता है यहाँ से प्रेशर किया जाता है कि आप जो ये बोल दिया यहाँ से चिप लिख लिया आप लोग पे करना पड़ेगा। बेचारा वो लोग जो जो एक्शन लोग जो यही लोग है जो आपका डिवीजन में बीतते हैं वो लोग फंस जाते हैं क्योंकि ये रूल जो 13 होके यहाँ से आता है। तो हर स्कीम में तो कभी भी ऐसे नहीं देखा है लेकिन फर्स्ट टाइम NAC रोड इशू में हमको ये देखने मिल रहा है। इसलिए लास्ट में देखा गया तो वो लोग जो पैसा भी रिलीज किया है 19 को वेविंग ऑफ किया है उसके बाद 5 दिन 24 को वो लोग 3 करोड़ 41 लैक्स प्लस निकला है 3 करोड़ 41 लैक्स 5 दिन का अंदर 19 को वेविंग ऑफ करके। आप सोच के देखिए उसमें 22 मार्च का आप सोच के देखिए 5 दिन में कैसे करके आपका एक पैसा इतना काम कर सकते हैं। और ये काम तो जो रिमेनिंग पोर्सन को काम करना चाहिए जहाँ आउट कटिंग एक बार भी नहीं छुआ वो काम करना चाहिए था। तो फंड भी जो फार्म प्राइवेट फार्म को जो दिया गया है उसमें भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। वेडिंग ऑफ करने से तो रूल का हिसाब से तो वेडिंग ऑफ करने से जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं तो उसका ऊपर में फंड डालने से तब जाके वेडिंग ऑफ करता है। अदरवाइज जो न्यू फार्म जब आएगा न्यू बिडर्स आएगा तब वो जो कंपल्सरी आपका टेंडर फ्लोटिंग होना होता है और आपस में ग्रंथ जो एग्रीमेंट होना होता है और बैंक में बिजी डालना होता है। तो अभी का यहाँ में तो ना बिजी डाला है ना कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है।
प्राइवेट वो लोग भी आप फार्म का जब अंदर दिखेगा तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके बनाया है, क्योंकि फार्म जो क्लास 4 फार्म है, जबकि वो जो 1 करोड़ का भी काम नहीं कर सकते ऐसे फार्म में, लेकिन वो लोग ऐसे टेक्निकली ऐसे डाला गया पैसा। आप कभी दिन आप अच्छा से छानबीन करने से इसको देख लीजिए। तो ये सब को देखने के बाद हम चीफ को पूछे आप लोग इसको ऐसे क्यों किया है। उन्होंने हम लोग को रिप्लाई लिख के दिया है कि जो 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 भी ये काम कर रहे हैं एट एन एडवाइस ऑफ हॉनरेबल एमएलए लोकल एमएलए, तब जाके हम लोग जो है तब तो आप लोग सब यहाँ में गोल मिल है, तो कहीं ना कहीं जगह में कॉन्स्पिरेसी है, जहाँ में वर्क ऑर्डर कुछ भी नहीं है, आप लोग बेमतलब है पब्लिक मनी मिस यूज़ किया गया है बोल के हम लोग जो है हॉनरेबल का साथ साथ उसको भी, क्योंकि चीफ उसका ऑर्डर देने से भी तो आप वो जानता है तो रूल को जानता है, तो वो रूल नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए था। अगर जो लोकल एमएलए अगर सजेशन देने से भी रूल में जाना चाहिए, तो अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग रूल में जाओ और हम लोग वर्क को नहीं रुका रहे, वो जल्दी काम करो, और हम लोग एक्शन को भी बिताया एमएलए को भी बिताया इस दिन भी आप लोग जल्दी टेंडर फ्लोटिंग करो, अगर गेम ऑन इंडिया कंटिन्यू नहीं करने से आप लोग टेंडर फ्लोटिंग करो, अगर गेम ऑन इंडिया काम नहीं कर सकने से आप लोकल एमएलए आप जो ब्लैक लिस्ट करने के आप लिखो गवर्नमेंट को, हम लोग परस्यू करेगा। अगर जो इतना 81 किलोमीटर इतना बड़ा कंपनी अगर खत्म नहीं करता ब्लैक लिस्ट आप लोग लिखो, हम लोग आगे जाएंगे। तो ये हम लोग नहीं, ये जैसे अभी आपने तो बता दिया, लेकिन अभी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन है वो सिंस 2019 आप लोग ये केस में स्पेशली ये जो रोड को लेकर आप लोग फॉलोअप कर रहे हैं, FIR दे रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम आपने सबमिट किया गवर्नमेंट लेवल में, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो आप लोग का जो ईस्ट कमिंग एक टीम ईस्ट कमिंग है उनको भी आपने बात की और चर्चा भी काफ़ी चल रहा था, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और जैसे आपने कहा कि अभी तो आपने लोकल MLA के अगेंस्ट में आप लोगों ने FIR दे दिया, तो अभी क्योंकि आज कल के दिन ने आप लोग ने मास पीसफुल रैलियाँ कंडक्ट किया, अभी जैसे SIC की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? कल के दिन आपने तो कहा है कि रैलियाँ ये हो गया, अभी आने वाले समय में बंद खोल क्या होगा, लेकिन आप लोग कुछ क्योंकि आपने कहा था कि आप लोग मेमोरेंडम भी सबमिट करेंगे CM को, तो वो हम जानना चाहेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्या आपने मेमोरेंडम सबमिट किया, क्या CM ऑफिस से या फिर CM की तरफ से कुछ एश्योरेंस आया, क्योंकि डायरेक्टली बंद कॉल में जाना आई गेस अभी के समय बोला जाए तो सभी लोग कोविड के बाद में थोड़ा नॉर्मलाइज होने के लिए हो ही रहा है, तो इसको लेकर आपको क्या कहना होगा? वही हम कल का रैली में भी हम बोला है जो बंद कॉल ही अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन जब बर्दर से बाहर होता है तो ऑप्शन नहीं हो जाता है। देखिए ये चीज़ को इसलिए हम लोग अभी बंद कॉल तक भी जाएंगे, क्योंकि मेरा लोकल लेवल से जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्रुप जो वेरीफाई करके DC अंदर में कंस्टिट्यूट करके मैंने जो भी रिपोर्ट है SIC को सबमिट कर चुका है, और आपका एक्सयू तरफ से कंप्लेंट करके जितना पार्सल करना कर चुका है, और लोकल विधायक MLA से और अभी हॉनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट मिनिस्टर मामा सर जो है वो टीम इसका का चेयरमैन है उसका थ्रू भी आपको लिख लिया। तो अभी हम लोग ऑप्शन क्या रह गया, अभी लास्ट ऑप्शन वही है कि अभी चीफ मिनिस्टर सर जो हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर सर जो है आप उसको हम दिया, क्योंकि वो जो है PWD मिनिस्टर भी है जो काम जैसे अभी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपने बोला कि अभी सबमिट के कल के दिन में आपने सबमिट किया मेमोरेंडम, तो किसके हाथ में दिया, उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया है? ये तो CMO का हाथ में CMO CM सर जो नेता से और CMO उसका ऑफिस में हम लोग सबमिट किया, तो अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन हम लोग रुकेंगे तो 20 दिन जैसे हम लोग रोक लेंगे तो डिक्लेयर तो कर दिया। अगर स्टार्टिंग अगर ये जो हम लोग जो कल का जो मेमोरेंडम जो सबमिट किया अगर वो फुलफिल नहीं होता है बोलने से हम लोग 2023 का 24-25 जनवरी को हम लोग इस कानिंग में 36 आवर्स का बंद कॉल डिक्लेयर कर चुके हैं जी। वो जो है आपका वहाँ लोकल MLA का अगेंस्ट में भी होगा, तो साथ साथ ही साथ SIC का अगेंस्ट में भी होगा, क्योंकि जुरिडिक्शन हम लोग का यहाँ में अगर आपसू और आंसू अगर परमिशन देता है बोलने से उससे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये इशू जो है स्टेट इशू है, डिस्ट्रिक्ट इशू नहीं है। कल भी हम बोला था कि एक डिस्ट्रिक्ट का इशू डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट स्टेट का डेवलपमेंट कंट्री का डेवलपमेंट, अगर आपसू और आंसू अन्य अगर परमिशन देता है बोलने से हम स्टेट में भी बंद कॉल कर सकते, क्योंकि ये स्टेट इशू है। और मैं जितने भी पब्लिक जो स्टेट का और पर्टिकुलरली हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट का जो पब्लिक से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा, तो स्टेट में आपका APCS फेस्को चल रहा है, वो भी ऑब्वियसली इस दिन देखा है कि डोनेशन बुक्स जो आपका जब बीमार होता है तो डोनेशन बुक्स चलते हैं, तो मैं अपील करता हूँ कि ये रोड इशू को हम लोग PIL के थ्रू हम लोग लीगली फाइट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा ये तो हमेशा पेंटिंग होते रहेंगे।
अगर खुद का माध्यम से अगर वो जो गाइडेंस है अगर जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा वो और अच्छा ही करेंगे। तो हम लोग का पास स्टूडेंट है और हम लोग का पास फंड नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग ये रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग जो हम लोग जो बहुत जल्द डोनेशन बुक्स बिताया जाएगा, आप लोग काइंडली इसको कंट्रीब्यूशन कीजिए, क्योंकि यहाँ में भी आप लोग आगे हम जो एपीसीएस फेस को बोला कि ये भी इससे कम नहीं है और बीमारी से कम नहीं है। आपको देखिए जो आपका 7 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है ये एनईसी रोड जो कवर करता है उसमें मोर देन 50+ स्कूल्स है जहाँ में बहुत सा बच्चा का ड्रीम्स होता है और बहुत सा जो माँ पिताजी लोग हैं एंटरप्रेनर भी जो करना चाहते हैं, जैसे आपका सेंटर जो में तो आपका के भी ये सब भी बहुत है, लेकिन जो रोड ट्रांसपोर्टेशन खराब होने का वजह से वो लोग जो इसको एक्सपोज नहीं करिए सेलिंग नहीं कर पाता है और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज और बीमारी जो है टाइमली नहीं आता अभी स्पेशली रेनी सीजन में। तो इसलिए हम लोग इसको अभी लीगली भी फाइट करेंगे और जो गवर्नमेंट को बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर जो इतना प्रेशर डल रहे हैं तो हम लोग अंत में हम लोग डोनेशन बुक्स बिताएंगे और काइंडली आप लोग कंट्रीब्यूशन के करिए और हो सके तो आप लोग भी सिग्नेटरी बनिए, हम लोग सब जॉइंटली मोर 1000 होने से भी हम लोग साइन करके जॉइंटली हम लोग जो कोर्ट में देंगे। जी आखिर में थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और जाते जाते जैसे चाखंग यादव ने कई इंपॉर्टेंट बातें कही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं होगा कुछ भी डेवलपमेंट होना मुश्किल है। स्पेशली अगर बात करें 14 साल की 2008 का ये वर्क ऑर्डर रिलीज़ हुआ था, तब से लेकर अभी 2022 ख़त्म होने को आया, लेकिन अभी तक रोड कंप्लीट नहीं है जो कि सिर्फ 81 किलोमीटर है सेपा टू चांगतातो रोड। तो देखना ये होगा जो मेमोरेंडम यूनियन की तरफ से सीएमओ को सबमिट किया गया है उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है। और जैसे उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि जनवरी 2023 के थर्ड वीक के समय में अगर कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एसआईसी की तरफ से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या फिर चार्जशीट फाइल या फिर केस रजिस्टर नहीं किया जाता है उनकी तरफ से बंद कॉल किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि उनकी तरफ से प्रॉपरली किया जाता है कि नहीं इनिशिएटिव।